हेलो ट्रेडर्स आई होप ऑल ऑफ आर फाइन सो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एम स्टॉक को लेके एंड उस पर जो क्वेश्चन आए थे मेरे पास कि वेदर शुड आई ट्रस्ट दिस ब्रोकर नॉट ब्रोकर और नॉट जो ऑर्डर एजुकेशन, सो विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स और एक चीज मैं बताऊंगा एज एज एन ऑप्शन बाय वेयर यू हैव लेस कैपिटल हाउ यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग और अगर आपको ऑलरेडी लॉस हो गया है तो अब देखो लॉस रिकवर करने के लिए तो यू हैव टू लर्न इट बट आई कैन शो यू अ वे फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट एंड मे बी यू कैन बिल्ड कैपिटल स्लो एंड स्टडी एंड ऑप्शन बाइंग तो ये जो फिन निफ्टी इंडेक्स है इसके इसको ये अभी ज्यादा फेमस है नहीं तो इस पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है और मोस्टली आप देखोगे यूट्यूब पे ज्यादा वीडियोज भी नहीं है सो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले इस पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा है एंड इट्स बीन अराउंड टू वीक्स एंड आई फाइंड दैट सॉरी आई फाउंड दैट दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर स्कैल्पा अब होता क्या है हमें जो मैक्सिमम टाइम लॉस होता है कि वी गेट इन टू द ट्रेड एट द टाइम ऑफ साइडवेज वेज कंसॉलिडेशन ये चीज निफ्टी में बहुत ज्यादा होता है और हम एज ए न्यू ट्रेडर अगर बैंक निफ्टी को टच करते हैं तो उसकी वोलेटिलिटी अगर कभी भी हमारे अगेंस्ट में जाती है क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमें लेने की आदत नहीं है ना तो मतलब स्टॉप लॉस तो छोटे लोग लेते हैं तो वो उसमें बात ही नहीं करनी और बैंक निफ्टी आपको मोस्टली स्टॉप लॉस लेने की क्या बोलूँ मैं मतलब चांसेस भी नहीं देती क्योंकि उसका एक कैंडल बनता है हंड्रेड पॉइंट का तो हंड्रेड पॉइंट आपके अगेंस्ट में चला जाता है टेन थाउजेंड आपने 10000 पे आपने कोई ऑप्शन बाय करा है एंड सडनली यू शो सी और पीएनएल फॉर 6000 बस बात वहीं खत्म हो गई होप ट्रेड हम करने लगते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन पे हम ध्यान नहीं देते लर्निंग के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है और मेहनत हम करते हैं लेकिन उसका आउटकम नहीं मिलता तो सॉल्यूशन वुड बी फिन निफ्टे फिर निफ्टी में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो आराम से क्योंकि अभी इट्स ट्रेडिंग अराउंड तो इसके प्रीमियम कम्पेरेटिवली बैंक निफ्टी से कम है और निफ्टी के बराबर ही है मतलब आई वुड कि निफ्टी के हाँ तो लॉट साइज इसका फोर्टी का है तो बाय इन्वेस्टिंग फिफ्टीन हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड रुपीज यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन फिन निफ्टी और ये जो एम स्टॉक है तो मैंने दो वीक यूज करने के बाद यही आइडेंटिफाई करा कि दिस ब्रोकर इज ब्लेसिंग्स फॉर इंडियन स्कैल्पर क्योंकि पर ट्रेड पे फिफ्टी रुपीज देना अगर आप एक दो ट्रेड लेते हो तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो मतलब ब्रोकरेज इज वेरी हाई और स्कैल्पिंग में भी अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करते हो क्योंकि मेरा पहला रूल यही होता है कि जैसे ही मैंने बाय करा और ये ऑप्शन का प्राइस मेरे बाइंग प्राइस से ऊपर है मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर ले आता हूं लॉस नहीं करना प्रॉफिट अपने आप मार्केट देगा तो फिर निफ्टी की जो लेस वोलेटिलिटी होती है और निफ्टी से थोड़ी ज्यादा होती है तो वो आपको एक चांस देगा कि आप पूरे दिन स्कैल्पिंग कर सको वो भी विद विदिन लो कैपिटल तो अगर हम देखें ये फिन निफ्टी का चार्ट ये फिफ्टीन मिनट्स का कैंडल है लेट्स कन्वर्ट इट टू थ्री मिनट्स ये हमारा कंसोलिडेशन जोन है ये आपने अगर एक कैंडल भी पकड़ लिया ना वीक बना के यू वुड बी इजिली एबल टू गेट थाउजेंड टू थ्री हंड्रेड रुपीज फिन निफ्टी का प्राइस अभी इसलिए कम है क्योंकि बैंक निफ्टी समवेयर अराउंड फोर्टी थ्री थाउजेंड और ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड क्या बोल रहा हूँ सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे है तो इसलिए इसका प्रीमियम का प्राइस कम है तो आप चाहो तो फॉर दर्निंग कर्व यू कैन प्रैक्टिस यूर ट्रेडिंग विद रियल मनी एंड इट विल गिव यू लेस लॉस और अगर आपको प्रॉफिट होने लगे तो फिर तो आप ये आपके कॉन्फिडेंस में भी ना बहुत अच्छा बूस्ट करेगा कॉन्फिडेंस को भी तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसकी वोलेटिलिटी को देखो ये एरिया ये एरिया ये मूव अगर आपने पकड़ लिया तो फिर तो ठीक ही है मतलब दैट इज योर ओन प्राइस एक्शन अब मैं एम स्टॉक की बात क्यों कर रहा हूं

चलता है इतना प्रैक्टिस करने के लिए लेट्स गो टू रिपोर्ट एंड लेजर तो अगर मैं इसको डेट करूं कि लास्ट के दो वीक में क्या हुआ है 19 सितंबर से 1 अक्टूबर ये तो देखो मैंने इसमें ₹3000 था यहाँ पे ये जो थर्टी एट रुपीज आप देख रहे हो ये अगर आप जीरोधा या किसी और ब्रोकर में करते उस दिन का ये आपका लॉस होता तो आई एम टेकिंग इट एज माई स्टॉप लॉस उसके बाद ये था यू कैन सी दिस सो थ्री थाउजेंड थ्री जीरो सिक्स एट इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड एट दिस टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स एंड दिस इज माई टू डेज पोजिशन

लेकिन अगले दिन गंवा भी दोगे तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो कि आपके जोन में ट्रेड आए तो मैं लूंगा और आपके पास फंड की कमी है या फिर रिस्क पे नहीं डालना चाह रहे हो यू कैन डू इट फिन निफ्टी। और उसमें अगर थोड़े बहुत प्रॉफिट हुए तो ऑफ़ कोर्स इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस नाउ अनदर रीजन टू ट्रेड इन फिन निफ्टी की इसका एक्सपायरी होता है ट्यूजडे को एंड ऑल ऑफ यू नो कि एक्सपायरी वाले दिन और उसके एक दिन पहले प्रीमियम का प्राइस कम रहता है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो मंडे एंड ट्यूजडे को यू कैन ट्रेड इन फिन निफ्टी विद स्मॉल क्वान्टिटी एंड द अमाउंट आई टोल्ड यू आप दो हजार लेके आओ फि हंड्रेड लेके आओ या फिर थ्री थाउजेंड लेके आओ और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका थ्री थाउजेंड रुपीज टेन थाउजेंड हो जाए तो ट्राई टू विदड्रॉ दैट जैसे कि आपने देखा होगा वहां ये रेड में दिख रहा होगा तो ये मैंने विड्रॉ कर लिया है ये क्या है ये पे आउट का ना ये दिखाता हूँ ले जा ये देख रहे हो ये मैंने वो कर लिया क्या बोलते विद्रॉ कर लिया था तो उसके बाद ये इतना पे अभी इतने पे अभी चल रहा है तो कोई वो करने की जरूरत नहीं है आपको आई मीन की कैपिटल बढ़ाना टिल द टाइम यू डोंटलीस्ट थ्री मंथ इंक्रीज योर कैपिटल तो दो दिन आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर लो दो दिन निफ्टी या बैंक निफ्टी में कर दो इट विल गिव यू और फ्राइडे को अच्छे अच्छे लोग ऑप्शन बाइंग नहीं करते क्योंकि फ्राइडे को वॉल्यूम रहता नहीं है uh, तो या फिर अगर आपका कोई सेफ कैपिटल है क्योंकि फ्राइडे को टाइम डिगे कम है तो फ्राइडे के लिए आप अपनी स्ट्रेटी बना सकते हो तो चार दिन तो आपके हो गए अब जो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो लोगों ने बताए थे कि फिन निफ्टी में वॉल्यूम रहता है कि नहीं तो द काइंड ऑफ टिकट साइज विच वी हैव इट हैज सफिशियंट वॉल्यूम टू मीट योर लिक्विडिटी प्रीमियम प्राइस इज लेस ग्रेट फॉर स्कैल्पिंग अब बात आती है कि फिन निफ्टी को हम ट्रैक कैसे करते हैं एक मैं सच में बात बताऊं एक चीज मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के फिन निफ्टी की। को ट्रेड करता हूँ और मुझे तो रिजल्ट मिल रहे हैं तो कुछ कुछ फिनेंशियल सर्विसेज को छोड़ के जैसे बजाज फाइनेंस है बजाज फ़िनसर्व है और कुछ 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 कंट्रीब्यूटर्स हैं तो अभी मैंने उस इंडेक्स से ज्यादा मेरी शादी वादी हुई नहीं है तो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट से ही ट्रेड करता हूँ देख के बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर से अगर मेरे एच बैंक आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक कोटक बैंक जो भी बैंक निफ्टी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो अगर वो, मैं देखता हूँ उनका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं अपना डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ फिर मैं फिर निफ्टी में स्कैल्पिंग करता हूँ और जो मैं कन्विक्शन वाले ट्रेड लेता हूँ क्योंकि मेरा निफ्टी पे हाथ बैठा हुआ है तो ऑबियसली इट्स बिन लॉन्ग आई बिन ट्रेडिंग द सेम इंस्ट्रूमेंट एवरी डे लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का इकलौता मकसद ये था आपको लाइव पी एन एल दिखा के कि कम पैसे में कैसे ट्रेडिंग हो सकती है वो जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप थोड़े से पैसे लेके आओ डुबा के चले जाओ अगले दिन फिर लेके आओ फिर डुबा के चले जाओ तो डिसिप्लिन से अगर करोगे तो इट इज पॉसिबल एक दिन अगर आप प्रॉफिटेबल रहो कि थ्री थाउजेंड आपके फिफ्टीन थाउजेंड बन गए तो दैट इज लक और गैमलिंग बट इफ यू कैन डू इट कंसिस्टेंटली ट्राई टू डू इट ना उजेंड uh, ना हो कि ट्रेंडिंग मार्केट था क्योंकि मार्केट कंडीशन चेंज होते रहते हैं अब मैं पैसे भी कितना कम बता रहा हूँ आपको थ्री थाउजेंड आप मानोगे थोड़े ना पांच हजार छः हजार से कम में थोड़े ना ट्रेड करोगे लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे है फिर भी क्योंकि ये इस इंडेक्स में आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ट्रेड करना तो इसके लॉट साइज के हिसाब से इसके प्रीमियम प्राइस के हिसाब से यू कैन गेट डीसेंट प्रॉफिट विद लिमिटेड रिस्क एंड अनदर थिंक अबाउट एम स्टॉक जो मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे ट्रेड एग्जीक्यूशन की सेम स्पीड है uh, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल है तो एप इज गुड वेब ब्राउजर इज गुड चार्जेस यू विल सी द डिफरेंस दो पॉइंट अगर आपने लेके एम स्टॉक में हंड्रेड रुपीस कमाए तो यू हैव टू गिव इट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अराउंड सिक्स रुपीस नाइंटी फोर रुपीज वुड बी योर्स यूजर एंटरप्रेज इज आल्सो वेरी गुड ना तो मैं फिन निफ्टी को जानता हूँ ना तो मैं एम स्टॉक को जानता हूँ व्हाट आई एम डूइंग टू हेल्प यू गाइस एक थोड़ा सा मतलब हर जगह इतनी नेगेटिविटी छाई हुई है ना इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ट्विटर स्क्रीनशॉट तो सही इंफॉर्मेशन लोगों के पास पहुंच ही नहीं पा रही है तो आप खुद से देखो सारे बैंक के चार्ट खुद से अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो एंड ट्राई टू यूज एम स्टॉक आप एक से दो महीने में इतने पैसे सेव कर लोगे अब देखो ना अगर किसी दिन लॉस हो गया तो हर दिन आपका जो लॉस है अगर आप एक ट्रेड में करते हो तो मतलब कि आपके लॉस से लगा लो कि आप फोर्टी रुपीज कम है फिर भी आप सेव कर लोगे छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान नहीं देते क्योंकि वी डोंट वी आर डीलिंग विद रियल मनी लेकिन जो एक अकाउंट से जो ट्रांसफर होता है ना वो साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल क्या बोलू मैं एक साइकोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं दे पाता है आप अगर ऐसे सोचो ऐसे ट्रेड करो कि टेन थाउजेंड रुपीज कैश रख लिया है, हजार रुपए का स्टॉप लॉस हुआ हजार रुपए ऐसे निकाल के आप हजार रुपए इधर से उधर करोगे तो तब आपको लगेगा कि नहीं यू आर रियल मनी ये तो अकाउंट में इधर से आ रहे हैं उधर जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा और प्लीज व्हेन यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग यू आर नॉट ट्रेंड और सीजन ट्रेडर प्लीज Uh, don't increase your lot size it's not me it's all about all those mentors and youtuber everyone says that so i would strongly recommend uh, with the budget of 5000 rupees you can start your trading journey or if you are already in loss or if you, you uh, if you are fed up with nifty you can try fin nifty तो फाइव मैंने इसलिए बोला कि ट्वेल्व हंड्रेड लगेंगे आपको इसके अकाउंट ओपनिंग में जो आपका रिकवर हो जाएगा एक से दो दिन में और बाकी तीन साढ़े तीन हजार के करीब आपका ट्रेडिंग कैपिटल रहेगा अब और इन एडिशन टू दैट यू विल गेट टू लर्न द प्राइस एक्शन जो रियल ट्रेडिंग की जो फील होती है ना वो स्टॉक की तरह ही होगा और अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके एक महीने तक आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन के तो देखो प्रॉफिट लेकर तो देखो इट विल will... जो बोलते हैं ना साइकोलॉजी उसका रिस्क मैनेजमेंट सब आपका एकदम टॉप पे आ जाएगा उसके बाद तो आपके डिसीजंस गलत नहीं होंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है आप एक लॉट से अगर तीन महीने प्रैक्टिस करोगे कल को जब आप अपना कैपिटल इंक्रीज करोगे तो यू विल बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर सो That's it तो ठीक है आ मेरा मेन यही मैसेज था कि फिन निफ्टी और एम स्टॉक पे आप ट्राई कर सकते हो बिकॉज इट विल लेट यू ट्रेड इन स्मॉल कैपिटल और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो यू कैन कमेंट और यू कैन ड्रॉप मी एन ईमेल एंड आई ट्राई एंड शोर टू Reply on all emails. On this note, let's close this video. Happy trading, be a profitable trading.